हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो आपको पता ही है, इस बार सीजीएल के टायर टू में एडवांस लेवल जो थे उनके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आए थे, तो मैं अब वो सीरीज़ शुरू करवाने जा रहा हूँ। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। क्वेश्चंस टफ नहीं है, तरीका अगर आ गया तो वो बिल्कुल आसान है, ठीक है। विदाउट एनी फॉर्मूले मैं आपको तरीका बताऊँगा, ठीक है, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करूँगा, ठीक है। एंड प्लीज़, अगर आप चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के एक क्वेश्चन डेली दिया करूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है, और रेडियस ऑफ ईच सर्कल आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 1 हो गया, ये वन वन वन, तो मतलब आपका हर साइड जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं 3 क्वाड्रेंट का, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे को इस शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस के 3 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर है, 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे देखिए, क्वाड्रेंट का एरिया हमने बताना है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो जब एरिया पाई आर स्क्वायर है व्हेन एंगल इज 360 डिग्री, ये 360 डिग्री है, तो एरिया आपका कितना होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल में, ठीक है। और जब एंगल आपका 1 डिग्री हो, और जब एंगल थीटा डिग्री हो, तो एरिया कितना होता है इतना, और यहाँ पे ये कितना था, 60 था, तो ये पाई इंटू आर स्क्वेयर। सर, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, ये रेडियस जो था इसका 1 था, ये 1 आएगा, ठीक है। तो ये 6 आ गया, 2, ये कितना आ गया आपका, 22/ ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो PQRS इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर, ठीक है, जिसकी आपकी सर्कल की रेडियस क्या है, मतलब इस पूरे सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर PS 12 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेंथ PQ QR and RS आर इक्वल, PQ QR and RS, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS, ये गिवन है। उसके बाद देखिए, PQ and QS एज डायमीटर, ठीक है, ये अगेन डायमीटर एक्ट कर रहे हैं इन सर्कल के जो रिस्पेक्टिव दिया हुआ है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू डेट ऑफ अनशेडेड रीजन, मीन्स रेशियो ऑफ शेडेड और में अनशेडेड रीजन, ये बताना है आपको, ठीक है। एंड प्लीज सोल्व करके बताइएगा, ठीक
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। हाँ जी देखिए, क्वेश्चन आसान है, वही सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, इसको यहाँ पे मिलाइए। ठीक है, तो ये आर है, सपोज करो ये आर है, ठीक है, ये भी आर होगा, इसको मैच करिए। ठीक है, ये रूट टू आर हो गया पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, वो एक स्क्वायर ही बनेगा ये। तो आपको पता है बी डी की वैल्यू कितनी है, आर प्लस मीन्स ए आर प्लस ओ बी। ठीक है, ओ बी की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, रूट टू इंटू आर। ठीक है, यही होगी। और बी डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये टोटल वन दी हुई है आपको। ठीक है, वन, तो आर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लीजिए। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो मतलब अप्रोच वही लगानी है, तरीका आपको आना चाहिए। तो वो जो एक क्वेश्चन मैंने दिया है, प्लीज़ ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।